क्या हो अगर आपका डिश वॉशर वैसे काम नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए, या फिर आपने डिश वॉशर ले लिया बट आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डिश वॉशर हम अक्सर लेते हैं अपने घरों के लिए, जो कि आजकल इतना कॉमन नहीं है अभी भी हमारे इंडियन हाउस होल्ड में। हम लेते हैं अपना काम आसान करने के लिए और जल्दी करने के लिए, मेड पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए। मेरे साथ डिश वॉशर का क्या एक्सपीरियंस रहा वो तो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देख ही लिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी डिश वॉशर से कैसे अच्छे से काम निकाला है और क्या ट्रिक्स मैंने अपनाई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अगर कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे कुछ दूसरी ही वीडियोस जाती हैं जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं वो सब देखना इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और आजकल मैं एक डेली मोटिवेशन स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, जिससे आप भी मोटिवेटेड रहे घर का काम करने पे, जैसे कि मैं रहती हूँ और मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। ये सब देखना चाहते हैं ज़रूर जाके चेक कीजिए इंस्टाग्राम पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हमारी इंडियन किचन्स में हर टाइप की कुकिंग होती है, डीप फ्राइंग से लेके शेलो फ्राइंग तक, और ज़्यादा मसालों से लेके कम मसालों तक। जहाँ पे हमारे बर्तनों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे हमें अच्छे से मशक्कत लगानी होती है, इनको घिसना पड़ता है नए जैसा चमकाने के लिए। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? डिश वॉशर घिसने का काम देखो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर आप ये सोच के डिश वॉशर ले रहे हो कि ये आपका घिसाई का काम ईजी कर देगा, जी नहीं, डिश वॉशर घिसने का काम ईजी नहीं करता है। बट जो आपके ज़िद्दी दाग होते हैं बर्तन पे, उनको ज़रूर लूज़न अप कर देता है, जिससे कि आपको जो अपनी घिसाई का काम है ना वो थोड़ा जल्दी कर लेते हो और थोड़ा कम मेहनत लगती है। अब हर घर अलग है, हर किचन भी अलग है और कुकिंग स्टाइल भी अलग है, बट डिश वॉशर ऑलमोस्ट सब डिश वॉशर्स ही सेम होते हैं। अब ये डिश वॉशर्स इंडियन किचन के लिए हैं कि नहीं, इंडियन यूटेंसिल्स और इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए हैं या नहीं, वो वीडियो आप यहाँ पे आई बटन में ज़रूर चेक कीजिएगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने इस ज़िद्दी सैमसंग डिश वॉशर की मशीन से कैसे बर्तन धुलवाए हैं, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। डिश वॉशर के लिए अलग से डिटर्जेंट आता है, आप सबको पता होगा। रेगुलर हमारा जो हम डिटर्जेंट हाथ से धोने के लिए यूज़ करते हैं वो डिश वॉशर में नहीं डलता। अब इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, फिनिश होता है, फॉर्च्यून होता है, IFP है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, इन तीनों में से है। एक और ब्रांड आता है विम का, जिसमें कि पाउडर भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं। इन सभी ब्रांड्स में टैबलेट भी आती हैं जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं, सॉल्ट होता है, रिन एट होता है और डिटर्जेंट होता है। तो आपको कुछ एडिशनल अपने डिश वॉशर में नहीं डालना होता। अगर आपके डिश वॉशर में फुल लोड है, पूरा अच्छे से खचाखच भरा हुआ है, आप एक टैबलेट ही यूज़ कर लो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका हाफ लोड है, मैं आपको बोलूँगी कि आप डिटर्जेंट यूज़ करो, आप पूरी टैबलेट मत यूज़ करो, वो वेस्ट ही हो जाएगी, वो फुल लोड के लिए होती है। तो अगर आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको इसमें रिनजेट भी यूज़ करना है और सॉल्ट भी यूज़ करना है। सॉल्ट पानी की सॉफ्टनेस के लिए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मंथ में 1 किलो सॉल्ट ही आपके डिश वॉशर में डलता है। रिनजेट आपकी यूसेज पर डिपेंड करता है, कब रीफिल करना है आपकी डिश वॉशर मशीन आपको बता देती है एक आइकन के थ्रू। आज की वीडियो पहली चैनल पे रिव्यू वीडियो होने वाली है, डिश वॉशर टैबलेट्स की रिव्यू वीडियो होने वाली है। डिश वॉशर डिटर्जेंट कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडियन यूटेंसिल के लिए, वो मैं आपके साथ रिव्यू आज देने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और ये मेरा ऑनेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस है, इससे मैंने ज़िद्दी मशीन से काम निकलवाया है। चलिए शुरू करते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो गाइज़, ये है विममैटिक का डिश वॉशर टैबलेट। डिश वॉशर टैबलेट है तो ऑल इन वन है, 30 टैबलेट्स हैं इसमें, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा, बट इट सेज कि भाई ये टफ स्टेन्स भी रिमूव कर देता है। आप देख रहे हो कि पैक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, डज नॉट नीड रिंस एट, डज नॉट नीड सॉल्ट, वर्क्स ऑन ऑल डिश वॉशर्स एंड डिश वॉशर सेव डिशेज, नो नीड टू रिमूव सॉल्युबल फिल्म। इसका मतलब इस पर कोई फिल्म आती है लगी हुई टैबलेट्स पे। सो यह इस पर लिखा भी है कि भाई ये टफ स्टेन्स रिमूव कर देता है। टैबलेट्स में मैंने अभी तक सिर्फ फॉर्च्यून की डिश वॉशर टैबलेट्स यूज़ करी हैं, फिनिश की टैबलेट्स अभी तक मैंने यूज़ नहीं करी हैं। बट सिंस दिस क्लेम्स, और ये फिनिश से ज़्यादा महंगा था, सो मैंने कहा ट्राई करते हैं अगर ये टफ स्टेन्स बिना घिसे हुए बर्तन में अभी डिश वॉशर में डालने वाली हूँ रिमूव करता है कि नहीं करता। इसको खोल के देख लेते हैं क्या है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक हाथ से खोलना मुश्किल है, रुको। ओके, हेयर इज द पैक, पैक के अंदर पैक। वाह,
डिश वॉशर टैबलेट्स का कलर बड़ा क्यूट है यार, इतनी सी डिश वॉशर टैबलेट है पिंक और वाइट कलर की। चलो आज इसको यूज़ करके देखेंगे। फुल लोड है डिशेस का जिसमें कि मैक्सिमम स्टील के बर्तन हैं एंड उनको मैं बिल्कुल भी घिसने नहीं वाली हूँ। लेट्स गो टूवर्ड्स द डिश वॉशर और लोड करते हैं विम मैटिक की डिश वॉश टैबलेट। हाँ तो भाई कुछ इस तरीके का खलेरा मचा हुआ है इस वक्त। तो ये बर्तन सब इसी तरीके से जाने वाले हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई नहीं जाने वाली है। और ये शायद दूध का बर्तन है या व्हाट, यहाँ पे भी दूध का बर्तन है। लगा देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इवन फूड प्रोसेसर का जार भी मैं इसमें डाल रही हूँ जिसमें यहाँ पे आटा चिपका हुआ है। सबसे पहले मैं इसको अंदर डाल रही हूँ और इसकी ये फिल्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ सॉल्यूबल फिल्म। सो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ बर्तन सेट हो चुके हैं, सॉरी फॉर दिस मेस। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है चकला, फूड प्रोसेसर का जार, इसमें पनीर वनीर निकला हुआ था, ये दूध का पतीला है पूरा मेस्ड अप, ये देख रहे हो प्लेटें वेटें सब मैंने ऐसे ही डाली हैं। सो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस डिशवॉशर में मुझे जब चीज़ें डालनी पड़ती हैं रगड़ के डालनी पड़ती हैं, आपने वीडियो में देखा ही होगा, नहीं देखा तो अभी मैंने आपके साथ शायद शेयर नहीं किया है। इस डिश वॉशर में टैबलेट का ऑप्शन है वो मैं चूज कर रही हूँ। ये गुड मॉर्निंग गाइज, अभी एक्चुअली मैंने आपको डिश वॉशर का नहीं दिखाया, मैं फूड प्रोसेसर यूज करने जा रही हूँ मेथी का आटा लगाने के लिए, इसलिए मैं ये आपको पहले दिखा देती हूँ। सो फूड प्रोसेसर कल मैंने आपको दिखाया था कितना गंदा था, चमकता हुआ और स्पार्कलिंग बाहर निकला है एंड साथ में जो इसका अटैचमेंट है वो भी भाई पूरा साफ है पूरा। चलो भाई मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है, बर्तन तो चमक रहे हैं वैसे। नहीं हुआ पूरी तरीके से साफ, बट ये साफ है, चमचे वमचे सब साफ हैं। ओह माय गॉड, बर्तन तो यार कैसे चमक रहे हैं। ये याद है पूरा पनीर से भरा हुआ था। ओ वाह, ओह माय गॉड, ये तो न्यू चमक रहा है भाई, न्यू प्लेट ही है। वाओ, ये दूध का बर्तन था। वाओ वाओ, कुछ भी नहीं लगा हुआ भाई, ये तो वो जो जला है वो है। आई एम अमेज्ड मैन, आई एम अमेज्ड, क्योंकि मेरे को हमेशा इस डिश वॉशर में चीज़ें रगड़ के डालनी पड़ती थी और चाय का बर्तन तो ये लिटरली काला होता था। काफ़ी सारा साफ हो चुका है, मतलब मैं एक जूना लगाऊंगी तो ये साफ हो जाएगा, दिस इज़ एक्सेप्टेबल, बट जो वो पहले वाली क्वालिटी थी वो बेकार क्वालिटी थी। सो इट मीन्स इसमें विम की डिश वॉशिंग लिक्विड्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं इस डिश वॉशर में। गाइज ये है चाय का बर्तन, दिस इज अ सेकंड अटेम्प्ट, देखते हैं अब क्या होता है। ये सोक्ड रहा है पानी में, ये है दूसरा चाय का बर्तन। ऑल्सो सरसों के तेल का देखते हैं दाग जाता है नहीं जाता इस विम डिश वॉश टैबलेट से। सो ये मैंने स्टील की कढ़ाई ली हुई है, मैं सरसों का तेल इसमें जलाने जा रही हूँ सब्जी के लिए। अब ये तेल सड़ने तक ये कढ़ाई ऐसे ही चलने वाली है। सो कई बार क्या होता है ना कि तेल के मार्क्स इस तरीके से सर्कल में आ जाते हैं, मेरे मोस्टली स्टील के बर्तनों में तो होता ही है जिनमें मैं सरसों के तेल से कुकिंग करती हूँ। सो वो मुझे मोस्टली टाइम रगड़ के डालना पड़ता है।
तो ये देखो, ये जो ऑयल के मार्क्स या सर्कल बनते हैं ना, ये रगड़ने के बाद ही जाता है। तो मैं यहाँ पे अब गोभी बना रही हूँ, मिलते हैं अब आपको पास में। हाँ तो जी, कढ़ाई का कुछ इस तरीके से हाल हुआ है। हाँ, थोड़ी गोभी नीचे लग गई है, सो मैंने कहा चलो बिना स्क्रबिंग करे डाल के देखते हैं कि ये इस तरीके के जले हुए और थोड़े टफ स्टेन्स भी निकाल पाएगा कि नहीं। सो इस तरीके से कुछ सेट हो गया सारा। काफ़ी ज़्यादा लोडेड है भाई डिशवॉशर। आज तो डिशवॉशर दो बार ही लगने वाला है, सो मैं इसको सेकंड ट्राई देने जा रही हूँ कि चाय के बर्तन इसमें साफ़ होते हैं या नहीं होते। तरीके से लग रहा है चाय के बर्तन, ये है, ये है, ये कुछ कुकिंग यूटेंसिल, आई थिंक साफ़ ही है ये। ये देखो चमचे वगैरह कुछ इस तरीके से हैं, स्पैचुला, बाकी ये सब चाय कॉफ़ी के मग्स हैं। ये आप प्लेटों की हालत देख रहे हो, कुछ इस तरीके से है। चलो इसको डाल देते हैं और इसको इंटेंसिव वॉश पे लगाते हैं। फर्स्ट ट्राई जो किया था उसमें इसने चाय के दाग नहीं निकाले थे बर्तन में से। अब इसको सेकंड ट्राई देके देखते हैं, जिसमें हमने जले हुए बर्तन भी रखे हैं। सो ये इंटेंसिव वॉश है और यहाँ पर मैं टैप सिलेक्ट कर रही हूँ। अब हम इतने टाइम के बाद देखेंगे। इट्स ओपनिंग, यू कैन सी यहाँ पे गैप आ गया। ओप्स, मैं डर गई। हाँ तो ये 24 सेकेंड पे ओपन हो गया है, काफ़ी सारी स्टीम निकल रही है। मैं अभी जा रही हूँ, सो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ओके, इसमें से अभी भी स्टीम निकल रही है, बट अब चेक कर लेते हैं। दिस लुक्स टू मच क्लीन, वाओ। बर्तन अगेन चमक रहे हैं जैसे फर्स्ट में था। कढ़ाई चेक कर लेते हैं जो थोड़ी जली हुई थी, गर्म है। जले हुए सब मार्क्स निकल गए हैं, बस वही जो मैं ऑयल का बोल रही थी, सरसों के तेल का, वो मार्क है हल्का सा। बाकी कढ़ाई बिल्कुल फुली क्लीन्ड है। इवन वो जो गोभी लगी थी ना, वो भी निकल चुकी है। बाकी बर्तन सब चमक रहे हैं। चाय के बर्तन देख लेते हैं। ये देखो चमचे, कितनी गंदी थी, राइट। ये स्पैचुला सब चमक रहा है। चाय का बर्तन ठीक से साफ नहीं हुआ, काफ़ी कुछ निकल गया, बस साइड में रह गया है। और ये दूसरा, इसमें भी थोड़ा साइड में रह गया है, बट काफ़ी कुछ साफ हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा था। सो या, ये है प्रूफ आपके सामने, बाकी सब बर्तन साफ हैं। इवन कढ़ाई भी अगर भी मैं यूज़ करना चाहूँ ना, नीचे जो धुली है मैं यूज़ कर सकती हूँ। इनको मैं अभी थोड़ा सा रगड़ के रख दूँगी। दो बर्तन इज़ गुड यार, इतने सारे बर्तन रगड़ने से तो अच्छा है। एंड एक चीज़ और, मेरा ये दूध का पतीला जल गया था, सो इसको मैं एक महीने से डिश वॉशर में डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी ये जला हुआ था, अब ये एक महीने के बाद कुछ इतना आ गया है, धीरे धीरे करके ये भी निकल जाएगा। ये देखो, ये अभी पपड़ियाँ निकल रही हैं, मैं अगर खुर्चूँ तो। अगर आपका कोई जला हुआ बर्तन है, डिश वॉशर में रख सकते हो, धीरे धीरे सब निकल जाएगा। कढ़ाइयों में जो यहाँ पे हैंडल में तेल वेल जम जाता है ना, वो भी डिश वॉशर में ओवर टाइम एक महीने में ही आपका सब साफ हो जाएगा। बट इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसमें इवन ब्लू मार्क्स भी थे, रेनबो स्टेन्स थे, जो कि वो भी चले गए। ये है ट्रायल 3 एक्चुअली। सो यहाँ पे मीठे चावल बनाए थे इस बर्तन में, जो कि जल गए थे, ध्यान नहीं रहा था। और इसको हल्का सा रगड़ के ना हमने डिश वॉशर में डाल दिया था। एंड अब देखो, ये इसकी बिल्कुल पपड़ी निकल रही है, ये देख रहे हो आप, ये देखो पपड़ी निकल रही है लिटरली। एंड अगर मैं इसको रगड़ूँ, ये देखो बर्तन अभी ड्राई है, आई मीन दूसरे वॉश में, ये बिल्कुल दूसरे या तीसरे वॉश में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखो, लुक एट दैट, बिल्कुल झड़ रहा है और लूज़ हो चुका है। एंड बर्तन बहुत अच्छे से विम डिश मैटिक से साफ हो रहे हैं। आई एम रियली अमेज्ड विद द क्वालिटी ऑफ दीज विम मैटिक डिश वॉशर टैबलेट्स। इतना जला हुआ बर्तन अभी तक आई डोंट थिंक सो किसी ने आपको इससे अच्छा एग्जांपल दिखाया होगा विम डिश वॉशर टैबलेट के लिए। ये तो ऐसे है कि अगर मैं इस पर ये स्टील का जूना भी लगा दूँ इस वक्त, तो ये पूरा झड़ के निकल आएगा। ये बर्तन बहुत गंदे से जला था, ये आप देख रहे हो, ये सारे जो ये लाइन्स आप देख रहे हो,
ये इतना तक यहाँ तक ऐसे जला था, और अभी मैं इस पे अब ये जूना मार दूंगी तो ये सब इतना लूज हो चुका है, पाउडर की तरह निकल रहा है सब। आई होप इस यूजर रिव्यू वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी अपने डिश वॉशर के लिए बेस्ट डिश वॉशिंग डिटर्जेंट एंड टैबलेट ढूंढने के लिए। अच्छा लगा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आप भी विम मैटिक की ये वाली टैबलेट्स यूज कर रहे हैं या फिर आपके डिश वॉशर में कौन सी डिश वॉशिंग टैबलेट्स बहुत अच्छी काम करती हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।